हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीड एंड रिलीज डिफेंस स्पेशल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक के दोस्तों एडमिट कार्ड आ गए हैं, जिनकी दोस्तों टोटल पोस्ट थी 1248। इनके दोस्तों एडमिट कार्ड आ गए हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि आप एडमिट कार्ड किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको जो बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे दोस्तों आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, कुछ आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिस तरीके से दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें सिंपल दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर क्लिक करना क्लिक मी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि दोस्तों आपने एडमिट कार्ड अब तक डाउनलोड कर लिया आपसे पहले, तो दोस्तों बीएसएफ ने आज ही एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें दोस्तों बताया है कि आपने आज से पहले यदि एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, तो आज के बाद दोस्तों आप एडमिट कार्ड दोबारा जाँच लें, क्योंकि दोस्तों उनके जो है कुछ उसमें परिवर्तन किया गया है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे क्लिक मी पर, तो आपको कुछ नया इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिस तरीके से दोस्तों आप स्क्रीन पर अब देख पा रहे हैं। नेटवर्क स्लो है, इसलिए दोस्तों खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। आपने अब से पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, तो आप दोबारा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, क्योंकि दोस्तों इनके शेड्यूल में थोड़ा बदलाव किया गया है। दोस्तों, नेट स्लो है, इसलिए दोस्तों खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जिस तरीके से दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा क्लिक मी पर करने पर। आप यहां पर देख सकते हैं साफ साफ, यहां पर रेड कलर में इन्होंने नई अपडेट दी है। यहां पर दोस्तों इन्होंने बताया, आप यहां पर इसको पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी है। उम्मीदवार ने जिन्होंने 13 तारीख से पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, तो वो एडमिट कार्ड दोबारा डाउनलोड कर लें, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी वहाँ पर इन्होंने और ऐड की है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। सिंपल दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, क्लिक पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करना। जैसे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, डाउनलोड एडमिट कार्ड। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों आपको यहाँ पर अपने इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पर आपको पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डालने का, दोस्तों सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, आपका जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यदि आपका पासवर्ड जो है भूल गए हैं आप, तो यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं। फॉरगेट करने के बाद दोबारा आप जो है यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए और कैप्चा कोड डालने के बाद सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको भी कोई डाउट हो, तो कमेंट करना, आपके कमेंट में जवाब मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।